नमस्ते, मैं राव संदीप यादव आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे नए वीडियो में। एक बहुत बड़े अंतराल के बाद मैं ये बुक रिकमेंडेशन वीडियो बना रहा हूँ। बीच में बहुत सारे ऐसे काम थे जिनकी वजह से बिजी हो गए थे और यूट्यूब पे वीडियोस आना लगभग कम हो गया था। फिर से हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप, किड्स वीडियो, किड्स लर्निंग वीडियो, बुक्स वीडियो और बहुत सारे अलग अलग तरीके के वीडियो फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम शुरू करते हैं। और आज का जो ये वीडियो है मेरा, आज ही अभी कुछ बुक्स मेरे पास अभी आई हैं, मैंने ऑर्डर किया था, कुछ मैंने खरीदी थी बाहर से, ये आई हैं। तो मैं सोच रहा था कि एक बार इनका मैं रिकमेंडेशन करता हूँ। यात्राएँ मुझे बड़ी पसंद हैं और इसी क्रम में मैंने कुछ यात्रा वृतांत और मंगवाए हैं। उनमें से पहला जो है, अरे ययावर रहेगा याद, वन ऑफ द लाइक इट इज़ अमंग ऑफ बेस्ट रिकमेंडेशन। एक चैनल है फेसबुक पे, आप कहेंगे ग्रुप है फेसबुक पे, इन दिनों मेरी किताब, 1 लाख से ज़्यादा रीडर हैं इसमें, रियल टाइम रीडर हैं जो अच्छे रिकमेंडेशंस देते हैं, बहुत हेल्पफुल ग्रुप है। वहाँ मैंने कुछ सजेशंस मांगे थे और उन सजेशंस में से ये टॉप पे था, तो सोचा कि एक बार अज्ञेय को पढ़ते हैं। लोगों का बड़ा अच्छे फीडबैक आए हैं अज्ञेय के लिए, इस बुक को पढ़ते हैं। द फर्स्ट बुक, अरे ययावर रहेगा याद, ये बुक अच्छी है, आप भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक बुक है जो मैंने अभी जस्ट खरीदी है, उसका कुछ मैंने फीडबैक देखा था और फीडबैक काफ़ी पसंद आया। और आजकल मैं कुछ हिंदी किताबों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि एक तो हिंदी की किताबों पे मैं भी काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारा कंटेंट मैं पढ़ रहा हूँ ताकि जो मेरे लेखनी है या द वे ऑफ राइटिंग वो थोड़ा ठीक हो जाए। और पढ़ने का मेरे को अच्छा लगता है, तो उसमें भी मैं करता हूँ। एक अनजान औरत का खत, बहुत अच्छी बुक है, जर्मनी की सबसे चर्चित रचना, ये बहुत अच्छी बुक है। देखते हैं किस तरीके की रहती है। पढ़ने के बाद मैं इसका रिकमेंडेशन फिर से दूंगा, बट ये वो रिकमेंडेशन दे रहा हूँ जो मैंने खरीदे हैं लोगों के कहने पे, और देखते हैं कि किस तरीके से निकलती हैं। एक अनजान औरत का खत। इसके अलावा एक बुक है जो मैं पिछले कई दिनों से, या बोलूँ कई सालों से, मैं पढ़ने की सोच रहा था। इससे रिलेटेड मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, बट ये बुक मुझे स्पेशली पढ़नी थी। नंबर वन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक, सेपियंस, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं किताबों का कलेक्शन कर रहा हूँ, मेरी खुद की मैं अपनी लाइब्रेरी बना रहा हूँ। मेरी लाइब्रेरी में मोर देन 300 से 400 बुक हो चुकी हैं, और ये इतनी सारी बुक मैं खरीदता हूँ ताकि मैं खुद पढ़ पाऊँ। यशवर्धन, ध्रुव या घर में जितने भी हैं, ये सब लोग इन किताबों का आनंद ले पाएँ, और किताबें भी इकट्ठी होती रहेंगी, नॉलेज भी इकट्ठा होता रहेगा। तो ये बुक मैंने अभी खरीदी है, इसको पढ़ना स्टार्ट करूँगा। इस तरीके से ये कुछ किताबें हैं जो मैंने अभी खरीदी हैं, ये 3 किताबें हैं। आप भी चाहें तो इनको मंगा के पढ़ सकते हैं, और कमाल की किताबें हैं, बेस्ट सेलर बुक्स हैं, आपको भी बड़ा आनंद आएगा। आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं अगली किताबों के साथ, अगले किसी टॉपिक के साथ। अपना प्यार यूँ ही बनाए रहें। कोई भी आपकी सजेशंस हैं किसी भी लेवल का, प्लीज़ डू शेयर विथ मी। थैंक यू।